दुकान बिल्कुल क्यों है? सामने मार्केट है गोल्डन टेम्पल के, जूतियाँ की दुकान क्यों है बेटा? यही चलता है ना यहाँ पर, फेमस जो चीज़ होती है जहाँ की, यहाँ की जूतियाँ फेमस है, ये फुलकारी फेमस है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने दिल्ली से अमृतसर की जर्नी। हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अमृतसर के लिए शान पंजाब ट्रेन ली है, जिसकी हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई है 180 रुपये। रेलवे स्टेशन पर आप हमेशा अपने टाइम से आधे से एक घंटा पहले पहुंचे। 26 जनवरी का दिन होने की वजह से काफ़ी जगह बैरिकेड लगे हुए थे, लेकिन फिर भी हम स्टेशन पर 5:30 बजे पहुँच गए थे। एग्जैक्ट 6:40 पर हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे जैसे हम पंजाब की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, धुंध और कोहरा दोनों ही बढ़ता जा रहा है, ठंड भी बढ़ती जा रही है। मजा रहेगा मुझको। कैसा है ट्रेन? हमारी 2:30 बजे अमृतसर स्टेशन पहुंच चुकी है। स्टेशन से बाहर निकल कर हमने एक ऑटो लिया है, जिसने 100 रुपये किराया लिया है गोल्डन टेम्पल तक जाने। और फिर गुरुद्वारे से थोड़ी दूरी पर एक होटल है, जहां हमने एक रूम ले लिया है। रूम से हम फ्रेश वगैरह होकर तैयार होकर निकल चले हैं घूमने के लिए। होटल से निकलते ही सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर पार्टीशन म्यूजियम आ जाता है, तो हमने डिसाइड किया है कि पहले पार्टीशन म्यूजियम को देखा जाए। पार्टीशन म्यूजियम में जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, वहाँ देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं। 2017 में आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा अमृतसर में बनाया गया पार्टीशन म्यूजियम विश्व में अपने तरह का पहला और एकमात्र संग्रहालय है। अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब के पास बने हेरिटेज स्ट्रीट पर स्थित संग्रहालय पाकिस्तान सीमा से करीब 29 किलोमीटर दूर है। स्वतंत्रता संग्राम में पहले ही बहुत लोग कुर्बानियाँ दे चुके थे। भारत ने आज़ादी पाई, लेकिन इस विभाजन ने बहुत कुछ खो दिया। इस दौरान लोगों का बहुत कुछ पीछे छूट गया था, लेकिन जो चीज़ें लोग पाकिस्तान से उजड़ कर भारत आए वो उनके लिए अनमोल हो गई। यहाँ रखी वस्तु विभाजन का दौर देखने और झेलने वाले लोगों ने अपनी मर्जी से दी है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी उस ऐतिहासिक समय के दर्द को समझ सकें। और अभी हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग, उसके लिए हमने रिक्शा लिया है। और ये स्टैचू है, सारागढ़ी सराय, यही तो है। अच्छा अच्छा, तो हम ये हमने ऑनलाइन कोशिश करी थी, लेकिन हमें मिल नहीं पाया। दोस्तों, आप जब भी अमृतसर आए तो थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च करके आइए, अपना ट्रिप जो है पहले से थोड़ा प्लान करके आइए, क्योंकि यहाँ पर जो ऑटो वाले रिक्शे वाले होते हैं बहुत उटपटांग रेट लेते हैं। हमारे होटल से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर ही गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग है, लेकिन हम क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं अमृतसर, हमें कुछ पता नहीं था, तो इस रिक्शे वाले ने हमें एक चौक घुमाने के 50 रुपये ले लिए। आप सामने देख रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह का चौक में बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया है, जो कि बहुत सुंदर है। टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर चौक में कई सारे स्टैचूज बनाए गए हैं, जो कि टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन है। टूरिस्ट उधर फोटो क्लिक करवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। गोल्डन टेम्पल का कर रहे हैं आप जलियांवाला बाग, और साथ ही सामने दिख रहा है हमें गोल्डन टेम्पल। ये देखिए जलियांवाला बाग में जो लोग शहीद हुए थे, उन शहीदों की याद में बनाया गया ये स्टैचू। उन सबके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर जो भी शहीद हुए थे। और इसके ठीक सामने ये एंट्रेंस है, तो अभी हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। April 13, 1919 बैसाखी का दिन, जब सभी लोग बड़ी शांति से रोल टैक्स के विरोध में सभा कर रहे थे, और उसी समय जनरल डायर ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। बहुत से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इसी कुएं में छलांग लगा दी थी। यहां पर आप आज भी अंग्रेजों की गोलियों के निशान देख सकते हैं। ये भयानक हत्याकांड जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए, उन्हीं शहीदों की याद में ये स्मारक बनाया गया है। और अब हम पहुंच चुके हैं गोल्डन टेम्पल। ये बाहर से देखने में बहुत बड़ा, बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए अब इसके अंदर एंट्री करते हैं।
गोल्डन टेम्पल इस तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन शाम के समय जब इसकी सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो इसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे सोने की तरह झिलमिला रहा है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल में वीडियो और फोटोग्राफी की बिल्कुल सख्त मनाही है, इसलिए हमने अंदर की कोई भी फोटोग्राफी नहीं की है। सात दिन से घूमते घूमते बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो मार्केट में हम कुछ अच्छा सा खाने को ढूंढ रहे हैं। यहाँ मार्केट में खाने पीने की आपको ढेरों वैरायटीज मिल जाएगी, जो भी आपको खाना पसंद है आप खा सकते हैं। रेट भी उस हिसाब से बड़े हाई हैं। हम आए यहाँ पर मिर्च मसाला रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमने ऑर्डर किया है आलू कुलचा और मक्की की रोटी सरसों का साग। ये हमारी आ गई है मक्की की रोटी सरसों का साग। तो देखिए ये पंजाब में मक्की की रोटी और सरसों का साग का टेस्ट कैसा है, टेस्ट करते हैं फिर बताएंगे। कैसा है टेस्ट, घर से अच्छा है, टेस्टी है? नमक। तो आ चुके हैं अपने होटल पर, आज हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं, और कल के लिए हमारी प्लानिंग है वाघा बॉर्डर जाने की, और आसपास जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं हम उन सबको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय।